हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो सेशन होने वाला है, आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में। थ्रेड कम्युनिकेशन मतलब दो थ्रेड आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछा जाता है वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल के बारे में, राइट। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रेड कम्युनिकेशन, अबाउट द पोलिंग, अबाउट द वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल, why these methods are in the object class, each and everything we will cover in today's session. So polling, what is polling? आपने कभी क्या polling के बारे में सुना है कि polling किसको कहते हैं? So मैंने यहाँ पे slide में लिख दिया हुआ है, you can read it out, but मैं आपको explain करता हूँ। जैसे क्या होता है कि polling is a process of testing one condition। जैसे अगर आप एक while loop चला रहे हो, ठीक है, और अगर while loop में आपने true हमेशा लिख दिया, so that will be always obviously true, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि अगर एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक आपका लूप चलेगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग वन कंडीशन रिपीटेडली अंटिल इट बिकम्स ट्रू इज नोन एज पोलिंग। वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है दैट इज कॉल्ड द यू नो पोलिंग। पोलिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लूप्स, ठीक है। जब भी आप कोई एक लूप इंप्लीमेंट करते हो वहाँ पे आपने आप कंडीशन देते हो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। जब अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन इट विल एग्जीक्यूट, राइट। सो पोलिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लूप्स वेदर ए पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेड कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द यू नो डेटा और प्रोड्यूस द यू नो प्रोडक्ट्स अंटिल अनलेस दैट कंडीशन सेटिस्फाई दैट नाउ यू डू नॉट हैव टू यू नो प्रोड्यूस। मीन्स आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन दैट यू नो दैट दैट विल यू नो स्टॉप एग्जीक्यूटिंग दैट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पोलिंग। इंटरव्यू में आपसे जनरली नहीं पूछा जाता व्हाट इज पोलिंग, बट इट इज फॉर योर नॉलेज दैट व्हाट इज पोलिंग। यू कैन सिंपली से दैट पोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग वन कंडीशन रिपीटेडली अंटिल इट बिकम्स ट्रू। आप रिपीटेडली कैसे टेस्ट कर सकते हो? यूजिंग द लूप। आप कोई भी एक लूप लगाओ, जब वो कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो रन करेगा, ठीक है। तो मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के कारण जो लूप चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग। सो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, हाउ द थ्रेड इज कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। लेट से यू आर वर्किंग इन ए मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, राइट। ओबियसली सिंस यू आर लर्निंग द मल्टी थ्रेडिंग सो यू आर वर्किंग इन ए मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट। तो मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में जब आप काम कर रहे हो तो देर आर मल्टीपल थ्रेड्स, है ना। अगर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं, अगर आप तब दो थ्रेड या मोर देन वन थ्रेड हाउ दे विल बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ना कि एक थ्रेड काम कर रहा है तो तब तक काम करेगा जब तक उसका काम फिनिश नहीं होता, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थ्रेड शेड्यूलर दैट हाउ द यू नो ऑल मल्टीपल थ्रेड्स विल बी यू नो कोऑर्डिनेटिंग एंड हाउ दैट विल बी यू नो वर्किंग टुगेदर। सो उनकी कम्युनिकेशन के लिए हमें कोड में क्या लिखते हैं? वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल एक तरीका है, एक मेथड है। वेट मेथड, नोटिफाई मेथड एंड नोटिफाई ऑल, इसके थ्रू हम लोग थ्रेड कम्युनिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछा जाता है कि हाउ यू नो यू कैन हैंडल द थ्रेड कम्युनिकेशन। सो आंसर इज दैट यूजिंग वेट मेथड, नोटिफाई मेथड, नोटिफाई ऑल मेथड, इनका यूज करके हम लोग थ्रेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो थ्रेड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय सॉल्विंग द पोलिंग प्रॉब्लम। जो पोलिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वो अपना काम करते रहेगा। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल को ही मैं लेता हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा विल बी फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में जनरली आपसे प्रोग्राम करवाया भी जाता है कि व्हाट इज यू नो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, हाउ यू कैन यू नो राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दैट, ये आपसे पूछा जाता है। दे इवन आस्क यू टू राइट दैट प्रोग्राम। सो अगर आप आज का वीडियो देख लेते पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन राइट द प्रोग्राम, और फिर उसके बाद आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप इतने अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि आप इजीली एक्सप्लेन कर सकोगे, ठीक है। सो थ्रेड कम्युनिकेशन का जो है इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, बाय सॉल्विंग द पोलिंग प्रॉब्लम। क्योंकि एक ही थ्रेड ना रन करते रहे, एज पर रिक्वायरमेंट दैट थ्रेड शुड स्विचेज एमोंग ईच अदर। कि आप अभी थ्रेड वन काम कर रहा है, आफ्टर सम टाइम दैट शुड स्टॉप, स्टॉप मीन्स दैट शुड वेट एंड अदर थ्रेड विल वेकअप अंटिल दैट विल बी नोटिफाइड, ठीक है।
सो थ्रेड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय सॉल्विंग द पोलिंग प्रॉब्लम. एग्जाम्पल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम वेयर वन थ्रेड इज प्रोड्यूसिंग एंड अदर थ्रेड इज कंज्यूमिंग. ठीक है, तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, क्यों मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि प्रोड्यूसर का टास्क क्या होगा, प्रोड्यूस करना, कंज्यूमर का टास्क क्या होगा, टू कंज्यूम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताऊंगा. वेट मेथड, नोटिफाई मेथड एंड नोटिफाई ऑल मेथड, इनका यूज करके आप थ्रेड कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. ठीक है, सो वेट नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड इज यूज्ड फॉर थ्रेड कम्युनिकेशन. दीज आर ऑब्जेक्ट क्लास मेथड. देखिए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है कि जो वेट मेथड होता है या जो नोटिफाई मेथड होता है या नोटिफाई ऑल मेथड होता है, दीज आर द फाइनल मेथड्स. पहला आपको याद रखना है कि दीज आर द फाइनल मेथड्स. फाइनल मेथड मतलब क्या हुआ कि नाउ यू कैन नॉट यू नो इनहेरिट दैट मेथड, यू कैन नॉट गिव योर ओन इम्प्लीमेंटेशंस. क्योंकि अगर आप मान लीजिए, ऑब्वियस बात है कि एवरी क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट क्लास, एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास. ठीक है ना, एवरी क्लास इज एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास. अगर ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, देन आई कैन ओवरराइड, राइट? बट रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप किसी मेथड को फाइनल बना देते हो, देन यू कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड. तो आप वेट मेथड, नोटिफाई मेथड एंड नोटिफाई ऑल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते. इस बात को आपको याद रखना. दैट मीन्स दीज थ्री मेथड्स आर द फाइनल मेथड. फाइनल मेथड हो गया. और किस क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का. ये आपको याद रखना है. इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाई दीज थ्री मेथड्स आर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास. मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों इन तीनों मेथड को ऑब्जेक्ट क्लास में रखा गया है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये तीन मेथड किस में हो गए? ऑब्जेक्ट क्लास में. और कैसे, इनका नेचर क्या हुआ है? फाइनल मेथड है. फाइनल मेथड मीन्स आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते. ठीक है, दीज मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड विद इन सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ओनली. अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक सिंपल जावा प्रोग्रामिंग लिखा एंड विदाउट सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक यू आर यू नो कॉलिंग द वेट मेथड, तब क्या होगा? उस समय एक्सेप्शन आती है. कैसा एक्सेप्शन आएगा? इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन. ठीक है, क्योंकि जब भी वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल का बात होता है, देन दिस वर्क्स ऑन सम लॉकिंग सिस्टम, राइट? तो क्या होगा कि आप वेट मेथड में क्या होता है कि जब अगर आप वेट मेथड कॉल करोगे, देन दैट विल रिलीज द लॉक फॉर अदर थ्रेड्स, राइट? तो रिलीज द लॉक, लॉक कहाँ से आया? लॉक कंसेप्ट विल कम विद सिंक्रोनाइजेशन. सो आपको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या सिंक्रोनाइज्ड मेथड यूज करना ही होगा टू इम्प्लीमेंट और टू कॉल द वेट मेथड और द नोटिफाई मेथड और द नोटिफाई ऑल. आप इसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बाहर नहीं लिख सकते. इंटरव्यू में जनरली यू नो दे विल राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन साइड द मेन मेथड एज अ फर्स्ट लाइन दे विल बी कॉलिंग द वेट मेथड. अगर वेट मेथड कॉल कर दिया डायरेक्ट एंड आफ्टर दैट दे विल बी यू नो प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम हेलो वर्ल्ड लेट्स से. ठीक है, तो उसमें बोलेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा. सो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका आउटपुट आपका एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप वेट मेथड को सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या सिंक्रोनाइज्ड मेथड में ही लिख सकते हो. सिंक्रोनाइज्ड मेथड या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में ही लिख सकते हैं. सिंपल सी बात है. अगर आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो आप एक चीज़ को दिमाग में आराम से अच्छे से घुसा लो कि क्या लिखना है आपको, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या सिंक्रोनाइज्ड मेथड. तभी जाकर आपका एक थ्रेड एक बार में उस ब्लॉक या उस मेथड को एक्सेस कर सकता है. अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ उस रिसोर्स को, उस मेथड को एक्सेस ना करें, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट करनी होगी. ठीक है, सो वेट मेथड जब अगर आप कॉल करते हो तो क्या होता है बेसिकली? वेट मेथड बेसिकली टेल्स द कॉलिंग थ्रेड टू रिलीज द लॉक. जब अगर आप कोई एक थ्रेड है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि आपने एक सिंक्रोनाइजेशन मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड में आपने वेट मेथड को कॉल किया, तो ऑब्वियसली बात है कि सिंक्रोनाइज किसी ऑब्जेक्ट पे होगा. जब अगर जो भी थ्रेड उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है फॉर दैट टाइम, ठीक है, तो उसको जब भी आप वेट मेथड कॉल करोगे, देन दैट थ्रेड विल रिलीज द लॉक फॉर दैट रिसोर्स. ठीक है, जब अगर रिलीज द लॉक मतलब क्या होगा, वो थ्रेड किस में चला गया? वेटिंग स्टेट में चला गया. मैंने आपको थ्रेड का लाइफ साइकिल समझाया हुआ है पहले. ठीक है, अगर आप थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में जानना चाहते हो, देन गो टू द माई वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन द थ्रेड लाइफ साइकिल. आई विल गिव अ लिंक फॉर दैट यू नो वीडियो,
इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लाइफ साइकिल के बारे में। तो जब अगर आप लाइफ साइकिल समझोगे, अगर जब भी आपने वेट मेथड कॉल किया, देन दैट थ्रेड गोज टू द वेटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जाने के पहले क्या करते हो, दैट रिलीज द लॉक, ठीक है। एंड आफ्टर रिलीजिंग द लॉक क्या होगा, थ्रेड शेड्यूलर को पता चल गया कि ये वेटिंग स्टेट में चला गया है, मतलब मेरा लॉक अभी रिसोर्स अवेलेबल है। अगर दूसरा थ्रेड विल ट्राई टू एक्सेस, अगर या दूसरे थ्रेड को काम करना है, देन थ्रेड शेड्यूलर विल गो विल सेट दैट या जस्ट गो एड, ठीक है। तो थ्रेड शेड्यूलर क्या बोलेगा कि जाओ भैया अब तुम वो वाला थ्रेड तुम काम करो, ठीक है। सो जब अगर आपका वेट जब कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में चला गया, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, या तो आप टाइम दे भी सकते हो कि कितने टाइम तक वो थ्रेड वेटिंग में रहेगा, ठीक है, या फिर आपका तब तक रहेगा जब तक उसको हम लोग नोटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट थ्रेड टू रिलीज द लॉक एंड गो टू स्लीप अंटिल सम अदर थ्रेड इंटर्स द सेम मोनिटर एंड कॉल्स नोटिफाई। अगर आप नोटिफाई मेथड नहीं कॉल करोगे फॉर दैट मोनिटर, तो क्या रहेगा कि वो हमेशा वेटिंग स्टेट में रह जाएगा। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने क्या लिखा है, पब्लिक फाइनल वाइड वेट, है ना, ये सिग्नेचर होता है। अगर आप जब भी आप वेट मेथड कॉल करोगे तो यू डू नॉट हैव टू राइट पब्लिक फाइनल वेट, यू हैव टू डायरेक्टली कॉल द वेट मेथड, बट द सिग्नेचर ऑफ द वेट मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास इज लाइक दिस, इट इज़ द पब्लिक मेथड, फाइनल मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, द रिटर्न टाइप ऑफ वेट मेथड इज नथिंग, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। जो वेट मेथड होता है उसका रिटर्न टाइप वेट होता है, दैट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, थ्रोज द इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। तो जो वेट मेथड का सिग्नेचर है ये ऑब्जेक्ट क्लास में होता है एंड फाइनल मेथड है, ठीक है। वेट मेथड इज रिटन इन सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ओनली, जब अगर आप वेट मेथड कॉल कर रहे हो दैट शुड बी ऑब्वियसली इन द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। स्लिप मेथड कॉजेज ए थ्रेड टू स्लिप फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि क्या होता है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ठीक है आप ये बताओ कि वेट मेथड जो होता है दैट इज ऑल्सो यू नो वेटिंग एंड गोइंग टू द वेटिंग स्टेट, तो और दूसरा थ्रेड काम करेगा, तो स्लीप मेथड क्या करेगा फिर, क्योंकि वेटिंग में जाने के बाद वो थ्रेड तो काम करेगा नहीं, और स्लीप में जाने के बाद क्या होगा फिर। तो अंतर क्या है कि स्लीप मेथड कॉजेज ए थ्रेड टू स्लीप फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ जो भी अगर आप टाइम जितना भी सेकेंड के लिए बताओगे उतना टाइम वो स्लीप में रहेगा, बट इफ़ यू कॉल द स्लीप मेथड देन दैट विल नॉट गो टू द वेटिंग स्टेट, मतलब दैट विल नॉट रिलीज द लॉक। स्लीप मेथड कॉल करते हो सो दैट इज नॉट गोइंग टू रिलीज द लॉक, लॉक हमेशा उसी थ्रेड के पास रहेगा, वो थ्रेड उतनी देर आराम करेगा, ये आपका और प्रोसेस को डिले कर दिया, ठीक है। सो जब आप स्लीप मेथड यूज करोगे तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में आप यू नो यू आर गोइंग टू यूज स्लीप मेथड। तो स्लीप मेथड जब अगर आप कॉल करोगे दैट इज नॉट गोइंग टू रिलीज द लॉक, वेट मेथड क्या होता है दैट रिलीज द लॉक, ठीक है। तो स्लीप मेथड किस क्लास का होता है, स्लीप मेथड थ्रेड क्लास का होता है, एंड स्लीप मेथड इज ए स्टेटिक मेथड, ठीक है। सो स्लीप मेथड क्या हुआ, थ्रेड क्लास का हुआ एंड इट इज ए स्टेटिक मेथड, सो यू कॉल थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। ये भी अंतर होता है वेट मेथड और स्लीप मेथड में। वेट मेथड का मैंने यहाँ पर आपको तीन सिग्नेचर दिया, वेट इफ यू आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, मतलब क्या है कि तब तक वेट करेगा जब आप इसको नोटिफाई नहीं करो, अगर आप कोई टाइम डिफाइन करते हो तो फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम ये वेट करेगा, ये भी उतना ही है, अगर वो पर्टिकुलर टाइम प्लस सम नैनो सेकेंड्स उतने टाइम के लिए वेट करेगा, ठीक है। नोटिफाई मेथड, नोटिफाई मेथड का काम क्या होता है कि जब अगर आप नोटिफाई करते हो तो इट वेक्स अप द सिंगल थ्रेड कॉल्ड वेट मेथड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने अगर यू नो कॉल किया नोटिफाई मेथड, उस रिसोर्स के लिए जब आपने नोटिफाई किया तो किसी एक थ्रेड को नोटिफाई करेगा। अब कौन सा थ्रेड नोटिफाई होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो करेगा काम थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड शेड्यूलर यू नो उसको नोटिफाई करेगा और थ्रेड शेड्यूलर उसको काम पे लगाएगा जिस थ्रेड को नोटिफाई किया। सो वंस यू कॉल द यू नो नोटिफाई मेथड दैट थ्रेड गोज टू द रनेबल स्टेट बेसिकली एंड फ्रॉम देयर थ्रेड शेड्यूलर विल पिक टू रन, ठीक है। सो
सो इट वेक्स अप द सिंगल थ्रेड कॉल्ड वेट मेथड ऑन सम सेम ऑब्जेक्ट. कॉलिंग नोटिफाई मेथड मीन्स द कॉलर मेथड विल नॉट रिलीज द लॉग. जैसे ही आपने नोटिफाई मेथड कॉल किया, कॉल करने के साथ ही यू नो लॉक रिलीज नहीं होता है. लॉक रिलीज होगा उसके बाद, इन बिटवीन. ठीक है, तब जैसे ही करंट वर्किंग थ्रेड लॉक को रिलीज करेगा, देन क्योंकि आपने नोटिफाई कर दिया, मतलब नोटिफिकेशन भेज दिया है, ये काइंड ऑफ समझ लीजिए कि इनविटेशन दे दिया आपने. ठीक है, तो वो रनेबल स्टेट में चला गया. बट जैसे ही रनेबल स्टेट में गया, थ्रेड शेड्यूलर उसको कैसे करेगा, जब लॉक अवेलेबल हो जाएगा तो जो थ्रेड शेड्यूलर होगा उस थ्रेड को काम पे लगा देगा कि हाँ भैया अब आपका समय आ गया काम करने का. ठीक है, सो दिस इज द नोटिफाई मेथड. सिग्नेचर ऑफ द नोटिफाई मेथड इज पब्लिक फाइनल वर्ड नोटिफाई. ठीक है, नोटिफाई ऑल क्या हुआ, नोटिफाई ऑल मेथड वेक्स अप ऑल थ्रेड्स दैट आर वेटिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर. अगर मान लीजिए कि 10 थ्रेड है, 10 थ्रेड को नोटिफिकेशन गया, तो क्या 10 थ्रेड आपका रन करने लगेगा? नहीं, कौन सा थ्रेड यू नो रन करेगा इसका डिसीजन थ्रेड शेड्यूलर लेगा ऑब्वियसली. ठीक है, सो नोटिफिकेशन इज सेंड टू ऑल वेटिंग थ्रेड्स, बट व्हिच थ्रेड विल गेट द लॉग इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर. ठीक है, तो थ्रेड शेड्यूलर के पास इसका लॉजिक है कि कौन सा थ्रेड को काम पे लगाना है. तो सिग्नेचर ऑफ दिस मेथड इज पब्लिक फाइनल वर्ड नोटिफाई ऑल. ये मैंने आपको बताया वेट मेथड के बारे में, मैंने आपको बताया नोटिफाई मेथड के बारे में एंड नोटिफाई ऑल. वेट मेथड क्या किया कि जब अगर आप वेट मेथड कॉल करते हो तो वो थ्रेड का रिलीज लॉक को रिलीज कर देता है और वेटिंग स्टेट में चला जाता है. ठीक है, वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो तभी तभी जगेगा जब उसको हम लोग नोटिफिकेशन देंगे, दैट इज यूजिंग बाय द नोटिफाई मेथड या नोटिफाई ऑल मेथड. ठीक है, जब आप नोटिफाई मेथड या नोटिफाई ऑल करते हो तो थ्रेड को नोटिफिकेशन जाता है कि आपके जागने का समय आ गया है, अब आप जग जाइए, और थ्रेड शेड्यूलर जब उसको काम पे लगाना होगा, थ्रेड शेड्यूलर काम पे लगा देगा. ठीक है, सो दिस इज द वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल. अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो वेट मेथड होते हैं या नोटिफाई मेथड होता है या नोटिफाई ऑल मेथड होता है, ये सभी ऑब्जेक्ट क्लास में होते हैं, थ्रेड क्लास में नहीं होते हैं. इंटरव्यू का बहुत यू नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पूछा ही जाता है. अगर वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल को टच करते हैं या थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में टच करते हैं तो उनका ये सवाल जरूर होगा. ठीक है, तो सवाल क्या है कि व्हाई दीज आर इन द ऑब्जेक्ट क्लास मेथड. ऑब्जेक्ट क्लास मेथड में होने का रीजन है कि देखिए क्या हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये हमेशा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में लिखे जाते हैं, एक लॉकिंग कंसेप्ट पे काम करता है. राइट, लॉकिंग कंसेप्ट पे काम करने का मतलब क्या हुआ, उनको अगर मान लीजिए कि अगर थ्रेड क्लास में हम इनको लिख देते हैं, अगर थ्रेड क्लास में क्या हो गया कि जितने भी यू नो थ्रेड है दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास. राइट, तो क्या हो गया कि हर एक थ्रेड के पास लॉक है. मतलब अगर आप ऐसा समझो कि आपके पास एक ताला है, ठीक है, और उस ताले की चाबी 10 लोगों के बीच पास में है. ठीक है, 10 लोगों के पास में उस ताले की चाबी है, तो क्या वो 10 जो लोग हैं, जो 10 लोग हैं, उस लॉक को इजिली ओपन कर सकते हैं? दे कैन इजिली ओपन द लॉक, दे कैन इजिली गेट द लॉक. ठीक है, तो ऐसा करने से कैसे काम बनेगा, 10 थ्रेड एक साथ काम करने लगेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग हमारा तो फेल कर जाएगा. राइट, तो ऑब्जेक्ट क्लास में होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास में मतलब कि एक जगह लॉक रखा हुआ है, अगर कोई एक थ्रेड उस लॉक को अक्वायर किया हुआ है तो वो तब तक वो रिलीज नहीं करेगा, मतलब अगला थ्रेड को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो रिलीज नहीं किया. ठीक है, तो इसलिए जो ये तीनों मेथड होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, थ्रेड कम्युनिकेशन, जो मोर देन वन थ्रेड्स है, मल्टीपल थ्रेड्स है, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए वेट नोटिफाई नोटिफाई यूज करते हैं. अगर मान लीजिए थ्रेड क्लास में हो गए तो सबके पास अपना अपना मैकेनिज्म है, लॉकिंग है, सब अपना अपना काम करेंगे. राइट, बट हाउ विल यू कंट्रोल इन मल्टी थ्रेडिंग, तो इसलिए इसको दिया जाता है ऑब्जेक्ट क्लास में. ठीक है, देखिए अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि व्हाट इज थ्रेड कम्युनिकेशन एग्जांपल मींस हाउ द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज सॉल्वड और व्हाट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. ठीक है, देखिए मैं आपको एक सिंपल वर्ड से समझाता हूँ. प्रोड्यूसर कंज्यूमर मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, अंग्रेजी वर्ड है प्रोड्यूसर, मतलब कुछ प्रोड्यूस करता होगा. राइट,
कंज्यूमर मतलब कुछ कंज्यूम करता होगा, ये दो बात हो गई। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मान लीजिए कि आप किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस फैक्ट्री में मान लीजिए एक टूथपेस्ट का आपका फैक्ट्री है, टूथपेस्ट आप बना रहे हैं, यू आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द टूथपेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने लैक्स मिलियंस बिलियंस काउंट आपने बना दिया, ठीक है, 100 लैक्स आपने बना दिया, बट उसको कंज्यूम करने वाला एक भी नहीं है, तो आपका क्या हुआ, वेस्ट हो गया ना। मतलब प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस कम कब करना चाहिए, जब उसका कोई सब यू नो कंज्यूमर हो। अगर कोई कंज्यूमर नहीं है तो प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, आप कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके एक यू नो वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए तो नहीं बनाएंगे। जब तक पब्लिक उसका यूज नहीं करेगा व्हाई यू विल बी प्रोड्यूसिंग, सिंपल सी बात है, रियल लाइफ से आप समझो इसको। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यही है, मतलब कब कितना टाइम प्रोड्यूस करना है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा तभी करना है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो अब वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देर आर मल्टीपल वेज, जैसे एक सीमाफोर होता है, सीमाफोर का आप यूज करके वहाँ पे एक्वायर मेथड एंड रिलीज मेथड होता है, ठीक है। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीमाफोर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेट मेथड, नोटिफाई मेथड एंड नोटिफाई ऑल मेथड। इसका यूज करके हम लोग कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। मैं आपको थियोरेटिकली ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर तभी प्रोड्यूस करेगा जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, मतलब हम लोग एक साइज दे देंगे कि हाँ उस साइज में अगर इतना मान लीजिए कि 10 का हो गया, ठीक है, तो अगर जब तक वो 10, क्योंकि हम लोग जो प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग क्यू में रखेंगे, ठीक है, यहाँ तो वेयर हाउस फिजिकल वेयर हाउस है नहीं, हम लोग यहाँ पे क्यू में रखेंगे। अगर प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता है उसको क्यू में डाल दिए, अब जब तक वो क्यू खाली नहीं होता है वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूसर थ्रेड विल बी वेटिंग, प्रोड्यूसर थ्रेड को हम लोग वेटिंग स्टेट में डाल देंगे और उसको नोटिफाई हम तभी करेंगे जब हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हो रहा है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस तभी जब कंज्यूमर विल कंज्यूम, ठीक है। तो जैसे ही क्यू से कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, अगेन हम लोग नोटिफाई करेंगे प्रोड्यूसर थ्रेड को कि हाँ भैया आपका काम अब है प्रोड्यूस करने का, जाके प्रोड्यूस करो, और जैसे ही फिर से क्यू फुल हो जाता है हम लोग फिर से उसको वेटिंग स्टेट में डाल देंगे। सो नाउ लेट्स गो टू द क्लिप्स। सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड वन क्लास कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है। मेरा टास्क क्या है, एक प्रोड्यूसर थ्रेड बनाना और एक कंज्यूमर थ्रेड बनाना, ठीक है। तो मैंने एक प्रोड्यूसर क्लास क्रिएट किया हुआ है, दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, और मैंने यहाँ पे क्यू बना दिया कि वो क्यू कितने साइज का होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट होगा वो क्यू के ऊपर में होगा, राइट। क्योंकि अगर क्यों क्यू के ऊपर में होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए देर आर मल्टीपल थ्रेड्स, अगर कोई एक थ्रेड उस पर काम कर रहा है तो वाई अदर थ्रेड विल बी प्रोड्यूसिंग, केवल एक ही थ्रेड प्रोड्यूस करेगा ना। तो जब अगर उस थ्रेड को प्रोड्यूस कर रहा है उसमें मतलब क्यू में फिल कर रहा है, जब अगर क्यू फिल हो जाता है तब दूसरा थ्रेड उसको कंज्यूम करेगा, राइट। सो हमारे पास एक क्यू का मैकेनिज्म है कि हम इस क्यू में साइज को क्यू में स्टोर करेंगे, कितना स्टोर करेंगे उसके लिए हमने मैक्स साइज दिया हुआ है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया क्यू का ऑब्जेक्ट का एंड देन मैक्स साइज, ठीक है। नाउ इनसाइड द मेन मेथड हियर यू कैन सी दैट आई हैव रिटन व्हाइल ट्रू, मतलब क्या है कि लूप हमेशा चलेगा, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, ये मैंने लिखा है व्हाइल ट्रू, मतलब ये ऑल टाइम चलेगा। और इस लूप के अंदर मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड क्यू लिख दिया, मतलब क्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर में मैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्यू का साइज मैं अब इसमें क्या कर रहा हूँ कि इस जैसे ही मेरा लाइन नंबर 19 से इंटर करेगा, लाइन नंबर 20 पे आएगा, वन थ्रेड विल हैव द लॉक, ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का रन मेथड है, सो प्रोड्यूसर थ्रेड विल हैव द लॉक, राइट। जब प्रोड्यूसर थ्रेड के पास लॉक है तो वो चेक करेगा कि क्यू का साइज मेरा कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है,
अगर क्यू का साइज मैक्स साइज से बराबर हो गया, दैट मीन्स अब हम मुझे प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। सिंपल सी, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको सोचना होगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर थ्रेड का रन मेथड में, प्रोड्यूसर थ्रेड का काम क्या है, वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। मतलब अगर क्यू खाली है तभी वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कंज्यूमर ने कंज्यूम कैसे किया, क्योंकि क्यू में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो क्यू से पता लगेगा, राइट। तो अगर मैं क्यू में कुछ डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, इफ आई एम स्टोरिंग द डेटा इन क्यू एंड साइज इज फुल, देन आई विल नॉट बी यू नो प्रोड्यूसिंग द डेटा, ठीक है, आई विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग द टूथपेस्ट। उसमें मैं क्या करूँगा, वेट मेथड कॉल कर दूंगा। मैंने एक सिंपल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैसेज दिया हुआ है कि क्यू इज फुल, नाउ प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस आफ्टर कंजप्शन हैपेंस। अगर कंजप्शन होता है तब जाकर होगा, अगर कुछ कंजप्शन हुआ मतलब क्यू में से कुछ खाली होगा, राइट। क्यू में से कुछ खाली होगा तो मैक्स साइज कम हो जाएगा, राइट। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, राइट। लेकिन अगर क्यू का साइज भर गया है, क्यू इज फुल, देन इसमें क्या होगा कि हम लोग ने वेट मेथड कॉल किया। जैसे ही हमने वेट मेथड कॉल किया, प्रोड्यूसर थ्रेड जो रनिंग है दैट इज नाउ इन द वेटिंग स्टेट। अब कोई दूसरा अगर प्रोड्यूसर है देन अगेन दैट कैन कम, बट अब क्या होगा कि जैसे ही प्रोड्यूसर थ्रेड वेटिंग स्टेट में गया, नाउ थ्रेड शेड्यूलर विल कम एंड विल आस्क द कंज्यूमर थ्रेड टू कंज्यूम। क्योंकि मेरे पास दो थ्रेड है, एक प्रोड्यूसर थ्रेड है, एक कंज्यूमर थ्रेड है। प्रोड्यूसर वेटिंग में गया तो अवेलेबल कौन सा, कंज्यूमर थ्रेड, राइट। तो कंज्यूमर थ्रेड विल यू नो कंटिन्यू कंज्यूमिंग। अगर थ्रेड कंज्यूम कर लिया कुछ तो फिर अगेन वो नोटिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट मेथड मैंने कॉल कर दिया क्यू के ऊपर में। नाउ मेरा प्रोड्यूसर थ्रेड क्या है, वेटिंग स्टेट में है। अब मैंने यहाँ पे यहाँ से वेटिंग में बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि साइज फुल नहीं है, एम्प्टी, कुछ एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे वो रैंडम नंबर आया, वो जनरेट किया, ठीक है, और नंबर जनरेट करके मैंने प्रिंट करा दिया एंड देन क्यू में ऐड कर दिया कि एक नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है, एक नंबर मैंने बता दिया कि जनरेट हुआ है। और मैंने जैसे ही क्यू में डाला, मैंने बता दिया कि आप नोटिफाई ऑल कर दिया, क्योंकि अब वो रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोड्यूसर में डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम डेटा हमने क्या किया कि क्यू में कुछ ऐड कर दिया एंड देन नोटिफाइड द क्यू यूजिंग द नोटिफाई ऑल मेथड, ठीक है। नोटिफाई ऑल मेथड के यूज करके हमने क्यू को नोटिफिकेशन दे दिया कि नाउ जो थ्रेड वेटिंग स्टेट में देन कैन कम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा प्रोड्यूसर थ्रेड है, ठीक है। अब कंज्यूमर थ्रेड में क्या है, सिंपली यहाँ पे मैंने अगेन एक्सटेंड थ्रेड क्लास, यहाँ पे मैंने क्यू दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को तो मैक्स साइज से मतलब नहीं है। कंज्यूमर क्या करेगा कि अगर क्यू में कुछ डेटा अवेलेबल है तो उसको कंज्यूम करना है, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्यू का रेफरेंस ले लिया, एक क्यू रेफरेंस पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे भी मैंने किया कि तब तक कंज्यूम करो जब तक डेटा है इसमें, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्यू को एम्प्टी चेक किया। अगर क्यू एम्प्टी है तो भाई आप कंज्यूमर थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। और उसमें से क्या करे, अगर मान लीजिए एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो इसमें तो नहीं जाएगा, राइट, यहाँ पे आएगा। कुछ डेटा उसने कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करने के साथ ही नोटिफाई कर दिया कि आपका क्यू कुछ खाली हो गया है। तो प्रोड्यूसर थ्रेड जो इस क्यू ऑब्जेक्ट पे वेटिंग है, क्योंकि मैंने सिंक्रोनाइजेशन किस पे लगाया, क्यू पे लगाया है, जो भी थ्रेड वर्किंग है किस ऑब्जेक्ट, किस रिसोर्स के लिए वेटिंग जा रहा है, क्यू ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। क्यू इज ए शेयर्ड रिसोर्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्यू को नोटिफाई किया तो प्रोड्यूसर थ्रेड जग जाएगा कि किसी ने कुछ यू नो यूज किया है, मुझे फिर से रन करेगा, चेक करेगा कि साइज यहाँ पे मैक्स साइज से कम हो गया है, अगेन इट विल जनरेट एंड अगेन इट विल ऐड एंड देन अगेन नोटिफाई। जैसे ही नोटिफाई किया, कंज्यूमर थ्रेड जान जाएगा कि कुछ इसमें ऐड हो गया, अगर मुझे कंज्यूम करना है तो मैं कंज्यूम करूँगा। तो यहाँ पे मैंने व्हाइल ट्रू लिखा, इसीलिए ये हर एक समय रन करता रहेगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, कोई एंडिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दूँ तो उस कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक ही बस वो चेक करेगा,
ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ऑल टाइम रनिंग के लिए लिखा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि दो क्लास बना दिए, उस जिसका मैं थ्रेड क्रिएट करूँगा, वन इज प्रोड्यूसर थ्रेड एंड अदर इज कंज्यूमर थ्रेड, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मेन मेथड में मैंने आया, यहाँ पे मैंने एक क्यूब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज़ ए लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब इस लिंक्ड लिस्ट में क्या हो गया कि मैंने कितने का करना है, मैंने साइज उसको दे दिया, मैक्स साइज क्या है, दो, मतलब क्यू में दो दो ही डेटा रह सकता है। जैसे ही दो डेटा फुल होगा तो कंज्यूमर को कंज्यूम करना होगा, जब तक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा तब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। नाउ मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया, प्रोड्यूसर थ्रेड, मैंने उसे बफर दे दिया कि किस में स्टोर करना है, एट द मैक्स साइज, मैंने क्यू पास कर दिया एट द मैक्स साइज की इसकी साइज क्या होगी, एंड अगेन कंज्यूमर को मैंने क्यू बता दिया कि अगर ये थ्रेड होगा तो इसको आपको करना है। देन स्टार्टेड द प्रोड्यूसर थ्रेड एंड देन स्टार्टेड द कंज्यूमर थ्रेड, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग यू द यू नो मेकिंग योर कंसेप्ट क्लियर कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं हिंदी अंग्रेजी में बोलूँ, सिंपल सी बात यही है कि प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ओनली वेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग। इफ द क्यू इज फुल एंड यू नो कंज्यूमर हैज नॉट कंज्यूम्ड, राइट, इन दैट केस प्रोड्यूसर विल नॉट प्रोड्यूस द डेटा, इन दैट केस प्रोड्यूसर विल गो टू द वेटिंग स्टेट। तो जैसे ही आप प्रोड्यूसर थ्रेड के रन मेथड में जाते हो, क्योंकि रन मेथड में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, तो यहाँ पे आपने पहले ही चेक कर लिया कि मैक्स साइज है कि नहीं है। अगर मैक्स साइज हो गया तो आपको उसको वेटिंग में डाल दिया, आप इसमें गए ही नहीं, राइट, क्योंकि जैसे ही आपने वेट मेथड कॉल किया, इट इज़ रिलीजिंग द लॉक, लॉक रिलीज कर दिया, मतलब क्या कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक से बाहर आ गया, ठीक है। अगर साइज अगर कुछ वैकेंट है, कुछ स्पेस है क्यू में, तो क्या करेगा कि अगेन इट विल जनरेट एंड इट विल आफ्टर एडिंग द डेटा इन द क्यू इट विल नोटिफाई, नोटिफाई इसलिए कि कंज्यूमर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो थ्रेड वेटिंग में गया है दैट शुड बी यू नो नोटिफाइड, तभी तो काम बनेगा, नहीं तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके बैठेगा एंड कंज्यूमर वेट करता रहेगा। तो वेट तो करना नहीं है, कंज्यूमर को भी नोटिफाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो प्रोड्यूसर को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो जो थ्रेड इस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, अगर मान लीजिए कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ तो उस ऑब्जेक्ट में आप नोटिफाई करोगे, तो इसमें जो वेटिंग स्टेट में गया हुआ है, अगर मान लीजिए मैं एक और क्यू क्रिएट करता हूँ, Q1 एंड Q2, ठीक है, अगर मैं Q1 में वेटिंग स्टेट कर रहा हूँ और Q2 में जाकर नोटिफाई कर रहा हूँ तो बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि सेम मॉनिटर होना चाहिए। तो एक सिंपल सा यही एप्लीकेशन है, आप इसको या तो थोड़ा इंटरव्यू अगर आपके सिर पे है तो आप इसको थोड़ा सा समझ के याद कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप सिंपल ए रन मेथड भी इसको लिख कर दिखा दोगे ना, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को आता है। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑल टाइम रनिंग है, ऑल टाइम रनिंग इसलिए क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर थ्रेड में का जो रन इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे मैंने वाइल्ड ट्रू लिखा हुआ है, मीन्स ऑल टाइम इट विल बी सेटिस्फाइंग। तो जैसे ही यू नो आपका क्यू एम्प्टी होता है देन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही प्रोड्यूस हो गया, साइज दो डेटा प्रोड्यूस हो गया, देन कंज्यूमर विल स्टार्ट प्रोड्यूस मीन्स कंज्यूमिंग, ठीक है। तो मैं इसको भी स्टॉप करता हूँ। आप यहाँ पे आराम से देखो कि क्यू इज़ फुल, नाउ प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस आफ्टर कंजप्शन हैपेंस, तो कंजप्शन हो गया। नाउ क्यू इज एम्प्टी, कंज्यूमर थ्रेड इज वेटिंग फॉर प्रोड्यूसर थ्रेड टू पुट समथिंग इन क्यू। तो जैसे ही प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया, अगेन क्यू फुल हो गया, तो प्रोड्यूसर ने नोटिफाई किया और कंज्यूमिंग कंजप्शन हैपन हुआ। अगर क्यू एम्प्टी हो गया देन प्रोड्यूसिंग, अगर क्यू फुल हो गया देन कंज्यूमिंग। सो यू कैन सी दैट, सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। तो सिंपल आपको दो थ्रेड क्रिएट करने हैं, वन प्रोड्यूसर थ्रेड एंड अदर कंज्यूमर थ्रेड। यहाँ तो मैंने और कुछ नहीं किया, और एक आपको क्यू का रेफरेंस लेना है, ठीक है। दैट्स इट, इट्स सिंपल प्रोग्राम। आपने साइज भी बता दिया, अगर आप यहाँ 5 लिखोगे तो 5 यू नो डेटा जाएगा क्यू में तब फुल होगा, राइट। यहाँ पे आप देखो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ देखो क्यू इज एम्प्टी, तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया कितने, 5, 2, 3, 4, 5, राइट। फिर उसके बाद क्यू फुल हो गया, क्यू फुल हो गया तो कंजम्पशन स्टार्ट हो गया। जब 5 कंजम्पशन हो गया देन क्यू इज एम्प्टी, तब उसके बाद फिर से प्रोड्यूसिंग हुआ। सो लाइक वाइज यू कैन इम्प्लीमेंट द थ्रेड कम्युनिकेशन, लाइक वाइज यू कैन सॉल्व द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है।
Now the key points. Get notify and notify all method is called from the synchronized block only or the synchronized method only. ठीक है, अगर उसके बाहर से आप इसको कॉल करते हो तो illegal monitor state exception comes. ठीक है, illegal monitor state exception means क्या कि उसको कोई लॉक मिला ही नहीं, अननेसेसरी के कहीं से भी उसको कॉल किया जा रहा है. हमेशा याद रखना है कि थ्रेड मल्टीपल थ्रेड इन्वायरमेंट में आप एक थ्रेड को लॉक देते हो तभी वो काम करता है. अगर लॉकिंग कंसेप्ट नहीं हुआ तो 10 थ्रेड है, 10 थ्रेड अपना अपना लॉक है, विदाउट लॉक काम कर दिए, सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लॉकिंग कंसेप्ट लगाते हो तो एक थ्रेड काम किया कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. दिस इज द लॉकिंग कंसेप्ट. ठीक है, सो दैट्स वाई दीज आर रिटन इन ओनली इन द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और मेथड ओनली. ठीक है, बिकॉज ऑफ दोस्त, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन होगा या रेस कंडीशन होगा. रेस कंडीशन आप में भी आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप इसमें पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा रेस कंडीशन के बारे में. तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. रेस कंडीशन मतलब क्या, किसी एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स आर यू नो कम्पीटिंग, रेस में भाग रहे हैं लोग. ठीक है, किस चीज़ के लिए, एक मेडल पाने के लिए, है ना. तो एक रिसोर्स को पाने के लिए उस रेस में भाग रहे हैं, तो दिस इज द रेस कंडीशन. वो जो मेडल होगा किसी एक को मिलेगा, राइट. तो किसको मिलेगा, जो डिजर्विंग होगा. तो यहाँ तो डिजर्विंग वाला बात है नहीं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि उस लॉकिंग का यूज करके हम लोग रेस कंडीशन को सॉल्व करते हैं. सो कैसे करेंगे उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, सो दिस इज रेस कंडीशन. सो इस दो इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन और रेस कंडीशन, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल को सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में लिखते हैं. ठीक है, दीज मेथड्स आर फाइनल मेथड. ओबियसली आई एक्सप्लेन इन द अर्ली यू नो व्हेन आई स्टार्टेड वीडियो, दीज मेथड्स आर फाइनल मेथड एंड आर इन द ऑब्जेक्ट क्लास. ठीक है, क्यों ऑब्जेक्ट क्लास में है, क्योंकि सबका अपना अपना लॉक अपने अपने पास लेके घूमो तो फिर लॉकिंग का मतलब क्या रह गया. लॉक जो ताला का चाबी होगा किसी एक ओनर के पास रहना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर इन द ऑब्जेक्ट क्लास. These are the some questions that is asked for the, from the you know wait notify notify all, like how thread communicates with each other. तो मैंने आपको बताया कि आप wait method call करोगे, notify method call करोगे, notify all करोगे, right? Why wait notify notify all method is inside object class? मैंने आपको just अभी बताया. Why wait notify notify all method is called in synchronized method or block? वही legal monitor state exception और race condition के solve करने के लिए. Difference between notify and notify all. नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड में डिफरेंस क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था अभी, राइट, कि जब आप नोटिफाई करते हो तो सिंगल थ्रेड नोटिफाई होता है. अगर नोटिफाई ऑल कॉल करते हो तो सारे यू नो उस क्यू में जितने भी थ्रेड वेटिंग स्टेट में सभी को नोटिफिकेशन जाएगा. लेकिन कौन सा थ्रेड रन करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाई थ्रेड शेड्यूलर, नोटिफाई के केस में भी और नोटिफाई ऑल के केस में भी. बट जब वो तभी रन करेगा जब द रनिंग थ्रेड विल रिलीज द लॉक, अदरवाइज यू नो नोटिफिकेशन करने से केवल रन थ्रेड को लॉक नहीं मिल जाता. वंस द थ्रेड इज रिलीजिंग द लॉक देन ओनली द नोटिफाइड थ्रेड विल स्टार्ट रनिंग. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल मेथड. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज मेथड्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दीज मेथड्स, देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. प्लीज बी वोकल, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, एंड इफ यू हैव रीच्ड to this point then please subscribe my channel or share your friends also, okay, so that they can also learn. Thank you.